अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडिंग साजिद उमर गिल के साथ एबीपी न्यूज़ पर। आज एक नई शख्सियत और कुछ नए मौजूआत के साथ आज मेरी मेहमान हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, मोहतरमा सादिया सोहेल राणा। दूसरी बार मेंबर ये बनी है पंजाब असम्बली की, जो खसूसी नशस्तें होती हैं ख़वातीन की, उस पर बहुत फ़ाल, बहुत एक्टिव असम्बली में हम इन्हें देखते हैं। ये बहुत सी करारदादें लेके आती हैं, असम्बली क्वेश्चंस रेज़ करती हैं, बड़ा एक्टिवली इनका एक रोल है। बहुत अरसा दराज से पीटीआई के साथ इनका ताल्लुक़ है अमलन, और उसके अलावा धरनों में जब ये शरीक थी तो इस कदर ये जज्बाती सतह पर उसमें इन्वॉल्व थी कि इन्हें चोट भी लगी, इनका बाजू भी टूटा, इन्होंने बहुत सी तकलीफ़ें सही हैं आज इस मकाम तक पहुँचने में। सादिया सोहेल राणा, आपको बहुत खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। हमें मालूम है आप आज भी असम्बली इजलास में थी और आप बहुत मसरूफ़ होती, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। कहाँ से शुरू करें, कैसे ये तय हुआ था कि आपने जो अमली सियासत है उसका आगाज़ करने के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को चुनना है? हाउ डिड इट हैपन? इसमें मैं आपको बताऊँ कि तय तो कुछ भी नहीं हुआ। हुआ ये कि हर इंसान के अंदर ना, मुझ पर अपनी पूरी स्टूडेंट लाइफ एक मेरे अंदर बहुत एक कश्मकश थी कुछ करने की। अपनी स्टूडेंट लाइफ में अपने स्कूल के लिए हमेशा काम किया, हेड गर्ल, कोई ना कोई ऐसी मेन पोजीशन में रही, और एज ए डिबेटर भी रही, और एक दो तीन चीज़ें जो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी, एक ये कि पाकिस्तान से मोहब्बत, और उसमें क्रेडिट गोज़ टू माई फादर कि जिन्होंने बताया कि हम तो कश्मीर से माइग्रेट होके हमारे फैमिली आई थी, और जो मजालिम सहे हमारी फैमिली के बहुत शहीद हैं, और वहाँ हम अपनी जो चीज़ें छोड़ के आए, पाकिस्तान हमने कैसे हासिल किया, ये तमाम चीज़ें आपके वालदैन, क्योंकि हम उस प्रोसीजर का हिस्सा नहीं थे। कश्मीर के कौन से हिस्से से, किस इलाके से आप लोगों का? जम्मू से है, जम्मू के एक बड़ा खूबसूरत एक गाँव था जिसका नाम तो एग्जैक्ट अब दिमाग में नहीं है। अब्बू को पाकिस्तान, मैं तो खैर लाहौर की पैदाइश हूँ, तो वो वहाँ से आना उनका और पाकिस्तान पहुँचने तक की जो स्ट्रगल, और जब मैंने ख़ुद भी पढ़ा एक कायद आज़म से मेरा, और इलामा इकबाल की शायरी के थ्रू जो एक करीबी ताल्लुक़ बना, मुझे अपने वतन से बेनतहा मोहब्बत है। इसमें सबको होती है लेकिन मेरी कुछ ज़्यादा ही पुरजोश थी। अच्छा। तो मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के तौर पे, हम दुबई में रह रहे थे, शादी के बाद चली गई थी बड़ी अर्ली एज में, शादी भी काफ़ी जल्दी हुई थी, तो वापस जब मैं आई तो बिलीव करो आपके लोगों के घरों में लंच और डिनर पे जाना, मेरे मियाँ का जो दोस्त अहबाब है सारे माशाल्लाह वो हायर लिविंग वाले लोग हैं, अब वहाँ लंच और डिनर पर जाना और चार चार पाँच पाँच के नाल के लविश हाउसेस, 35-35 डिशेस के डिनर लंचेस, जोड़े जो ख़वातीन ने पहने होते थे 30-35 हज़ार के, और उस पर मौजू जो होना ना कि पाकिस्तान तो बहुत बेकार जगह है, पाकिस्तान में तो पाकिस्तान ने क्या दिया, पाकिस्तान में गंदगी, पाकिस्तान में ये मसला, पाकिस्तान में सद अफसोस। हाँ, मतलब मैं एक बार बर्दाश्त कर लिया, एक तो मुझसे वो जूते कपड़ों वाली बातें नहीं होती टिपिकल ख़वातीन वाली, दूसरी ना ससुराल की बुराइयाँ होती हैं मुझसे। अच्छा। ये मेरे में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स है। ससुराल वैसे अच्छा है बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान जैसा सोच के उनके साथ बर्ताव करता है फिर रिटर्न वैसे ही आता है। ग्रेट। तो वो अपना मुझसे ये चीज़ें होती नहीं थी, और जब मैं ये सुन सुन के दूसरी से तीसरी दावत में मैंने कहा जी एक्सक्यूज मी, मुझे अब हजम नहीं हो रहा, ना खाना ना ये बातें, कि आप तो बड़ी बातें कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने क्या दिया, मुझे आप ये बताएं, आप इस आलीशान घर में बैठे हैं, आलीशान लिबास पहन के बेहतरीन खाना खा रहे हैं, एयर कंडीशन ड्राइंग रूम्स हैं, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान ने तो आपको बहुत दिया नज़र आ रहा है, आपने पाकिस्तान को क्या दिया? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं अपने शो पर भी और नॉर्मली भी सादिया, जब भी आप लोगों से इंटरेक्शन होता है बतौर एक जर्नलिस्ट के और आप पॉलिटिक्स में, तो ये मेरा भी इशू है। मैं हमेशा लोगों से ये कहता हूँ कि अगर हम आज ये सोचना शुरू करें कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया, तो हमारा पाकिस्तान मजीद बेहतर हो जाएगा। अच्छा, आप आगे चलिए, आप ये तकाजा किया करती थी उनसे। जी बिल्कुल, और उसके बाद से मैंने इस किस्म की पार्टियों में और जाना बिल्कुल छोड़ दिया। अच्छा, सोशल वर्क में अपनी सतह पर तो करती थी, एक एक इंडिविजुअल जितना कर सकता, बट ऐसे ही एक दिन एक जलसा था हमारे इलाके में, मेरे बेटा छोटा सा था, उसने मुझे आके बताया
कि मामा वो खान साहब आ रहे हैं, इमरान खान साहब, उनकी फ़ैन फॉलोइंग तो हमेशा से थी, हम भी थे, तो गए 25 लोगों का टोटल वो जलसा गा थी। आप लाहौर कॉलेज से ग्रेजुएट हैं? जी जी बिल्कुल। और मुझे याद पड़ता है जब खान साहब कद्दाफी स्टेडियम मैच खेलते थे तो लाहौर कॉलेज की बहुत सी तालिबात उन्हें देखने भी जाती थी। हम तो जब कैंट में उनका मसल पुल होता था वो पलवान के पास आते थे, पलवान की दुकान के बाहर एक बहुत बड़ी लाइन होती थी। अच्छा। उसमें भी खड़े होते थे कि खान साहब गुजरेंगे और हम देखेंगे। अच्छा। तो वो फैन वहाँ से तक तो थी बहुत ही एक मोहब्बत अकीदत, लेकिन जब मैंने उनको लाइव सुना ना पहली बार, बात करते देखा मुल्क के से, अब बिलीव करें वो शख्स यहाँ से दिल से बोल रहा था, जो चीज़ निकल रही थी वो दिल से निकल रही थी और दिल में उतर रही थी मुझे, क्योंकि वहाँ से मैं जब मेंबरशिप भी थी हो रही थी मैंने की, और मैं बिल्कुल मेरा दिमाग जो था ना मिसमराइज था। मैं कह यार आज के दौर में भी कोई ऐसा शख्स है जो सियासत में जो आया है और वो इतना प्योर है। और उसके बाद सेकंड डे मेरी किस्मत के मुझे फ़ोन भी आ गया ऑफिस से, पार्टी के ऑफिस से, कि आप हमारे साथ काम करना चाहेंगी। लोग ढूंढ रहे थे वो लोग, कोई कुछ लोग मिल जाए और बुनियादी वर्कर से। हाँ, और मैंने हामी भर ली। ग्रेट। और वो बुनियादी वर्कर से मैं स्टार्ट हुई। बिल्कुल सिंपल हाउस वाइफ, कोई सियासत का ना फैमिली बैकग्राउंड, ना किसी जागीरदार की बीवी ना बेटी, ना कोई ऐसे जरासीम सियासत वाले, ना कोई गर्दन में सरिया, नॉर्मल सी बंदी। Your husband is well off man. हाँ वो माशाल्लाह जी जागीरदार तो बिल्कुल नहीं है, एक मेहनत करके कमाने वाला एक इज्जतदार आदमी है, जिसके हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें असासों में एक घर के टैक्स पेड लोग हैं, बाइज्जत शहरी के जिसपे कोई उंगली नहीं उठा सकता। ग्रेट। तो बस ये बैकग्राउंड था, और सियासत में फिर वो ऐसा घुसी मैं कि आप सोच नहीं सकते कि मैं घुसती चली गई, मुझे पता नहीं चला। मैं यूनियन काउंसिल की अपनी सदर बनी, अपनी पीपी के सूबाई हलके की सदर बनी, फिर प्रेसिडेंट लाहौर बनी और 4 साल रही, फिर पार्टी का इलेक्शन लड़कर इलेक्टेड सेक्रेटरी जनरल पंजाब बनी, और मेरी प्रेसिडेंट थी सलोनी बुखारी। मैं इस तरफ आना चाहता था, आप फरमाएं जो आप कह रही हैं उनके बारे में। और सलोनी बुखारी इस पार्टी में आने के बाद जो मुझे मेरी इंस्पिरेशन थी ना इमरान खान साहब के बाद, वो थी सैयदा सलोनी बुखारी, जो प्रेसिडेंट पंजाब भी थी, पायनियर मेंबर भी थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा खूबसूरत और खूबसूरत और ब्रेनी खातून, ब्यूटी एंड ब्रेन जो है ना, इसका खूबसूरत कम्बिनेशन अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। और जिस तरह वो हमें साथ लेके चली, मैं समझती हूँ उनकी खदमात उनका हम में से कोई भी नहीं अदा कर सकता। मुझे याद पड़ता है एक दफ़ा हम आपको कवर कर रहे थे तो हाँ। आप बहुत जज्बाती हो गई, लगता अब भी आप मोहतरमा को अल्लाह उन्हें जन्नत अल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके मकामात बुलंद फरमाए, उन्हें याद करके आपकी आँखें आज भी भीग जाती हैं। मुझे याद है जब आपका बाजू टूटा धरनों के दिनों में, तो शी लुकड आफ्टर यू वेरी वेल, और आप हम लोगों से बात करते हुए मीडिया के आप रो पड़ी थी तब भी, और आपने कहा कि सलोनी बुखारी ने मुझे माओ की तरह संभाला है। इसमें कोई शक नहीं। और कुछ उनकी यादें? मैं बताऊँ यादें तो मैं आपको बस उनकी बस इतनी है, शायद उनकी फैमिली उनकी मतलब वो इस बात को मानते भी हैं कि एक तो वो पार्टी में इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी, पर मेरे साथ सफ़र बहुत किया हमने इकट्ठे, और रहते भी इकट्ठे थे, और पूरे धरने में 126 दिन हम दोनों एक बेडरूम में एक बेड पे, उनके पाँव में कीड़े ने काट लिया था, उनका पूरा पाँव गल गया था, और वो मैं पट्टी करने की कोशिश कर रही होती थी तो मुझे डांटती थी हाथ मत लगाओ मेरे पाँव को, इतना ख्याल। और ये 2014 वाले जो हाँ जी, और मेरे जो क्योंकि ये लेफ्ट बाजू टूटा था, डंडे पड़े थे यहाँ, तो वो रात को मल के पट्टी करके मैं साथ मुझे ख्याल रखती थी, मेरी ज़रा सी तकलीफ। फिर उन्होंने हमें जो एक ये दिया ना कि सियासत में तो तुम लोग आ गई हो, औरत की है, औरत का जो सियासत में मकाम है या जो एक है, और सियासत है खुला मैदान है, उसमें औरत के सर पे छत नहीं होती है, तो आपने सियासत में ऐसे चलना है कि आपने अपनी रिस्पेक्ट और वकार को मोहतरमा फातिमा जना मादर ऐसे लोगों के साथ उन्होंने देखे। मैंने सियासत में बहुत गंद भी देखा, लोग शॉर्टकट्स के लिए बहुत सारा से रास्ते अपनाते हैं, लेकिन ग्रेसफुली रिस्पेक्ट के साथ देखें, जो चीज़ आपको मिलनी है ना वो आपको मिलके रहनी है, उसे आपको आपसे कोई नहीं छीन सकता,
वही वही आप वो उन्होंने जो हमें सिखाया कि भाई इज्जत और वकार के साथ अपने टाइम का इंतज़ार करो, काम करो बगैर किसी लालच और उसके। और उनकी मेरी एक रूहानी भी बहुत, वो एक बहुत रूहानी खातून थी, वो नमाजी परहेजी तो थी ही, लेकिन उनका एक रूहानी इतना, वो सच्ची ख्वाबें देखती थी, एक एक चीज़ उनको पता चल जाती थी। उनका मेरा एक रूहानियत का मुझे तकलीफ़ होनी उनको पता चल जाना, उनको कोई मामला होना मुझे पता चल जाना, एक ऐसा ताल्लुक़ बन गया था जो मैं हमें पार्टी के रिलेशन से या इन दुनियावी चीज़ों से बहुत ऊपर का है। इवन अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अल्लाह ने बरी करा, लेकिन जब मुझे हौसले की ज़रूरत पड़ती है, जब मैं मायूस हूँ, जब कोई बात हो, तो वो मुझे आके तसल्ली तशवी दे जाती है। कोई मेडिटेशन भी करती हैं आप? बस मेडिटेशन तो मैं बहुत गुनाहगार सी बंदी हूँ, क्या करना है, लेकिन एक दिल से जब इंसान अल्लाह को याद करता या किसी भी ऐसे रिश्ते से जिससे वो प्यार करता है, तो अल्लाह ने इंसान को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया और उसकी रूह को बहुत ताकत दिया, तो वो उस तक रابطہ भी हो जाता है और रابطہ कर भी सकता है। और अल्लाह से तो बात करना दुनिया में सबसे आसान काम है। हम समझते हैं ना, मिनिस्टरों के लिए लाइनों में लगे होते हैं, सीएम से मुलाकात करनी है, टाइम नहीं मिल रहा, पीएम की एक झलक देखने के लिए खड़े हैं, और जो सब बादशाहों का बादशाह है उसकी तो उससे मुलाकात दुनिया का सबसे आसान काम है। जहाँ चाहे जब चाहे कर लें। अच्छा, इन मज़े की बात आपसे मैं शेयर करूँ सादिया, हम नॉर्मली आपका ताल्लुक चूँकि पॉलिटिक्स के साथ है, आप इस वक्त स्टैंडिंग मेंबर हैं पंजाब असम्बली की, तो बहुत से ऐसे मौजूदात होते हैं जिनका ताल्लुक अवामनास या सियासियात से होता है, मगर आगाज़ में ही गुफ्तगू जिस डगर पे चली गई है, मुझे लगता है कहीं हम ये सारा तसव्वुफ़ और रूहानियात पे शो न कर ले। यहाँ से हम थोड़ा सा मैं आगे जाना चाहता हूँ। इमरान ख़ान साहब, जैसे आप फरमा रही थी कि बहुत अवाइल जवानी से एक चार्म था, और फिर आपने उन लोगों को सुना और आपने परखा कि उनके दिल में दर्द है इस मिट्टी का, मादरे मिल्लत का, आप लोग और ज़्यादा एसोसिएट हो गए, फिर आप प्रैक्टिकली उनके साथ इस तहरीक में शामिल हो गए, और फिर आपने मारे भी खाई, बाजू भी तोड़वाए, बहुत सख्त सुस्त आपने अपने ज़िंदगी में सहा इस सफ़र में। इमरान ख़ान साहब के यहाँ भी रूहानियात के बहुत चर्चे हैं, बहुत सी बातें हैं, सूफी बशीर साहब का तो वो खुद जिक्र करते हैं, समनाबाद में वो दफन है, और खान साहब कहते हैं कि अवाइल दिनों में, बल्कि जब वो वर्ल्ड कप खेल रहे थे 92 का, तो वहाँ से सूफी साहब को फ़ोन किया करते थे कि सूफी साहब मैं तो मैच हार रहा हूँ, तो वो कहते थे कोई नहीं, अल्लाह का नाम लो तुम जीत जाओगे। तो इमरान खान साहब का भी बड़ा प्रैक्टिकली तजुर्बा भी है, यकीन भी है कि ये जो अगर हम इसको सहूलतन मेटाफिजिक्स कह लें, क्योंकि कुछ लोग रूहानियात या तसव्वुफ से वो परेशान हो जाते हैं, मेटाफिजिक्स देखे ना, कायनात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ का एक दूसरा रुख भी पैदा किया है, दिन है रात है, रोशनी है अंधेरा है, औरत है मर्द है, फिजा है बहार है, तो फिजिक्स का भी एक अपोजिट है जिसे मेटाफिजिक्स कहा जाता है। और अभी मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप बहुत प्रैक्टिकली इसमें इन्वॉल्व हैं मेटाफिजिक्स में। ये जो सच्ची ख्वाब सलोनी बुखारी देखा करती थी और आपसे शेयर भी किया करती थी, क्या उन दिनों की कुछ यादें ऐसी हैं कि उन्होंने आपको कहा हो कि मैंने ख्वाब देखा है, वक्त आएगा इमरान खान कामयाब हो जाएगा? बिल्कुल, उन्होंने बहुत पहले बता दिया था मुझे वो ख्वाब। एक एक खान साहब जिन जिन हालात से गुजरे हैं ना, बिलीव करें, उनको ये होता था कि इसके बाद ये धरने का भी जो हुआ था हमारा, तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि जब एंड अप का किसी को पता नहीं था कि ये कहाँ जाके एंड होना है ये, तो सलोनी अपने ख्वाब देखा था तो बड़ी परेशान थी, कहती है ये धरना तो अब इतना वाजह पता नहीं था कि होना क्या है, लेकिन ये पता था कि कोई बड़ा सानिया होगा। हमारा तो ये ख्याल था कि शायद धरने में कोई ऐसा ब्लास्ट या ऐसी चीज़ ना हो, लेकिन उन्होंने कहा कि ये धरना किसी बड़े सानहे पे एंड अप होगा। वो APS, हाँ वो APS का वाक़या आ गया, और कई चीज़ें पार्टी में कुछ ऐसे वाक़यात हुए, कई जगह इलेक्शन से पहले मुझे नाकामी देखनी पड़ी, फिर वो भी सारा उन्होंने मुझे ख्वाब देखा था कि ऐसे ऐसे होगा। और इवन देन कुछ अब की बातें भी जो थी वो जो अपनी ज़िंदगी में मुझसे कर गई थी वो मेरे साथ पेश आई। अच्छा हाँ, और मुझे एकदम उनका वो ख्वाब याद आ गया
क्योंकि मैं भी इन ख्वाबों को समझती भी हूँ थोड़ा, वो भी तो कुदरत रहनुमाई, कुदरत ही तो कुदरत की तरफ से होता है, ये अल्लाह का ख्वाबों का सिलसिला है। बिल्कुल है, तो लेकिन ये ख्वाब क्या है, रहनुमाई है, बिशारत है या हिदायत? और मैं समझती हूँ इसके लिए आपका कोई सूफी वली होने का वो कोई जरूरत नहीं होती, रब का बंदा होना काफी। जिस बंदे का दिल साफ है वो दूसरों के लिए बुराई नहीं सोचता, वो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, और हर इंसान के दिल में होता है, लेकिन जो सच बोलने वाला होता है और जिसका दिल साफ होता है उसमें तो रब का डेरा होता है। तो इसलिए ये तो अल्लाह का वो एक पता है कनेक्शन है, और अल्लाह अपने हर बंदे को गाइड करता है। ज़रूरत इस बात की होती है कौन उसकी गाइडेंस को समझ रहा है और कौन नहीं समझ पा रहा। उसके अशफाक साहब ने कहा था ना कि अल्लाह को सब मानते हैं लेकिन अल्लाह की मानने वाले जो है कामयाब होते हैं। साथ ये बड़ी सहर अंगेज गुफ्तगू है, मैं मेरा बिल्कुल मन नहीं चाहता कि मैं इसमें आपको इंटरप्ट करूँ। देखें हमारा काम होता है सवाल पे सवाल दागना, लेकिन मैं आज बिल्कुल ही नाकआउट हो गया हूँ आपके सामने। आप इजाज़त दें कि मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेता। हाँ हाँ। नाज़रीन, सादिया सुहेल राणा मेंबर हैं पंजाब असम्बली पीटीआई की, बहुत ही मुतहर्रक रहनुमा है। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है, मैं इसको क्या एलेबोरेट कर सकता हूँ। वक्त हुआ एक छोटा सा वक्फ़ा लेने का, ब्रेक के बाद जब हम आएँगे वापस तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ सियासियात और अवामुन्नास की फलाह बहबूद और पार्टी के हवाले से भी गुफ्तगू आपके सामने लेके आऊँगा। आप हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडिंग साजिद उमर गिल के साथ है एबीपी न्यूज़ पर। आज मेरी मेहमान है इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और काबिले एहतराम शख्सियत है मोहतरमा सादिया सुहेल राणा। इनकी शख्सियत के बहुत से पहलू हैं, बहुत से लोग इन्हें अब तक एक सियासतदान के तौर पर, एक मुतहर्रक फ़ाल सियासी कारकुन के तौर पर जानते हैं। आज ये बजाते ख़ुद अपनी ज़िंदगी के बहुत से ऐसे पहलू हैं जिन्हें यूँ मंजरे आम पर ला रही हैं। हमारा एजाज़ है कि हमारे शो में ये बातें आज हम यहाँ कर रहे हैं। सादिया, ब्रेक से पहले ये बहुत ही एक डिफरेंट एंगल था और मुझे अपनी कमाईगी पे बड़ा मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं यकीनन बहुत ही इन बातों से दूर रहा। हमने कभी ये जाना ही नहीं आपकी शख्सियत के जो ये पहलू। हमने आपको हमेशा हंसते खेलते हुए और मर्दाना वार मसाइब से लड़ते हुए सियासी कारकुन के तौर पर देखा है। मुझे ये बताइए कि वो जो एक तो सलोनी बुखारी मोहतरमा जन्नत मकामहु जो ख्वाब देखा करती थी सच्चे, उसमें यकीनन पार्टी भी थी, इमरान खान भी थे, जदोजहद भी, सारा कुछ था। एक ख्वाब अवाम पाकिस्तान ने भी देख रखा है तब्दीली का। अरसा दराज तक आप लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज से, कभी धरने में, कभी जलसे में, कभी किसी जुलूस में, कभी किसी तकरीर में, कभी किसी बयान में, आप लोगों ने बार बार तकरारन अवामुन्नास को ये बताया कि पाकिस्तान में तब्दीली आना बहुत ज़रूरी हो गया ताकि पाकिस्तान मुस्तहकम हो सके, पाकिस्तान खुशहाल हो सके। मुझे ये बताइए कि ये जो ख्वाब आवाम को आपने दिखाया, उसकी तकमील के लिए जो जो मराहल हैं वो आप कहाँ तक पहुँचे? मैं बताऊँ साजिद के, एक तो ये कि ख्वाब जो दिखाया ये सच्चा, ये भी सच्चा ख्वाब है, मैं आपको अच्छा, बता दूँ। और जहाँ तक तकमील की बात है, स्टार्ट में जैसे अभी जिस तरह माजरत के साथ कुछ मीडिया के इदारे ऐसे और कुछ लोग मिलकर ये पिक्चर खींचना चाह रहे हैं कि शायद ये एक इंतखाबी वो एक सिलसिला था, एक तकारीर थी और तमाम चीज़ें थी कि जिस पे बातें की गईं और अभी हालात ऐसे हैं तो वैसे हैं, कहाँ है वो नया पाकिस्तान। देखिए जो चीज़ें पाकिस्तान में इस टाइम जो मौजूदा हालात जो हमें जिस सूरत में पाकिस्तान मिला है उसमें बहुत सारे मामलात थे जो बहुत ही खटाई में पड़ चुके थे, अदारे जो थे खुद मुख्तार नहीं थे, और वो जो होता है ना राइट मैन फॉर द राइट जॉब, वो तो हमारा माशरे से कंसेप्ट निकल गया हुआ है जो अदारे। अगर आप इजाज़त दें कलामी की माफ़ी, अगर राइट मैन फॉर द राइट जॉब हम ब्यूरोक्रेसी को ही देख लेते हैं फॉर इंस्टेंस, वो सारे लोग जो गुज़श्ता हुकूमतों के साए तले परवान चढ़े वो आज भी ओहदों पर बैठे हुए हैं। आप लोगों ने अपनी बुनियादी टीम ही नहीं अभी तक बनाई। ये बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल है कि आप कप्तान को यहाँ को तक अपनी टीम चुने,
लेकिन वो पुराने लोग वैसे के वैसे वहीं बैठे हैं। देखिए इसमें है कि अगर आते ही हम ये उछाड़ बिछाड़ करते और ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज़्यादा तब्दीलियां करते जो कर सकते थे हम, वो उसका ये होता कि ये एक सियासी इंतकाम हमेशा लिया जाता है। एक पार्टी जाती है, दूसरी पार्टी आती है, वो पूरी उखेड़ के। खान साहब का एक साफ सा एक पॉइंट ऑफ व्यू था, उन्होंने कहा था कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो हुकूमत के साथ होती है, तो कोई भी हुकूमत आए उसको उसके साथ काम करना है और उसको उसको सपोर्ट करना है। हाँ, जहाँ तक ये बात है कि कुछ लोग ख़ास तौर पे नवाजे गए और कुछ लोग ख़ास तौर पे उनके एजेंडे पे काम कर रहे थे, उनकी सफाई होना बहुत ज़रूरी है। जो कि चुन चुन के हम एकदम जल्दबाजी में हसल पसल में किसी को भी अपने किसी इंतकामी कार्रवाई का निशाना चाहते कि कोई कैओस हो जाए, हाँ कोई ऐसा कैओस मचे और लोग इनसिक्योर हो जाएं कि शायद नई हुकूमत जब भी आती है वो पिछले लोगों को पलट देती है। खान साहब का एक बहुत साफ और वाजिया ये था कि ब्यूरोक्रेसी का नाम है उन लोग, वो अपने जगह काम करती है, जो हुकूमत आती है वो उसके साथ काम करती है, उसमें वो तो किसी पार्टी की नहीं होती। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये रुझान रहा है कि ब्यूरोक्रेसी में अपने लोग शामिल किए गए, उनको फैसिलिटेट करके उन्हें वहाँ डाला गया ताकि वो आगे उनके लिए और बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर सकते थे। अब इस चीज़ पर भी काम हो रहा है, क्योंकि हम अपने चेयर अपने खान साहब की, अपने चेयरमैन की, अपने प्राइम मिनिस्टर की इस सादगी को, उनकी साफ दिली को तो जानते हैं, लेकिन इस माशरे की इस खराबियों को भी बखूबी वाकिफ है। इसलिए इन पे काम साथ साथ होना बहुत ज़रूरी भी है और इसकी अब निशानदेही होकर इस पे काम हो भी रहा है। जहाँ तक बात है कि एक वाज़ह चेंज तब्दीली आपको क्या, आज से हमारा एक माइंड सेट है, हम पिछले 20-25 साल से जो हुकूमतें चलती आ रही हैं, 25-30 साल से वो आती हैं, हमें काम कैसे पता चलता है, वो ये चार नए ब्रिज बन गए हैं, ये सड़कें बन रही हैं, वो ये हो गया काम हो रहा है, जी शहबाज शरीफ इधर खड़े नज़र आ रहे हैं, शहबाज शरीफ उधर खड़े नज़र आ रहे हैं, या जरदारी साहब ये करते नज़र आ रहे हैं। हमारा एक डिफरेंट कल्चर लेके हम आए हैं जिसमें दिखावा बहुत हो गया, डेवलपमेंट उस तरह की ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हुई, पॉलिसीज़ बेहतर लेके आना। आप ये देखें अभी पिछले बहुत दिनों से लोग कहते हैं महंगाई का रोना, मैं आपको यहाँ बैठ के चैलेंज करती हूँ, पिछली आप जो है नर्ख उठा लें सब्जियों फलों और उन तमाम चीज़ों के, और आज की उठा लें, आज की सब्जियां फल आपको सस्ते मिलेंगे। महंगाई हुई है लेकिन एक ख़ास तबके के लिए जहां पे टैक्स का सिलसिला बढ़ा है चीज़ें, हाँ बिजली के पैसों में और सुई गैस में अभी पिछले दिनों कमी वाकया हुई है और होगी। पहले क्या होता था, लोड शेडिंग होती थी, देहाती इलाकों में 20-20 घंटे लाइट जाती थी, लाहौर को फैसिलिटेट कर दिया जाता था, रेंटल पावर ले ली जाती थी, पावर पे करके महंगा करके मामला के एक हमने ये, अब जितना किसी देहात में हो रहा है उतनी लाहौर में भी लोड शेडिंग हो रही है, मसावी किया और उसके बाद इसके मुस्तकिल हल के लिए अब सर जोड़ के बैठे हैं कि ये मसला एक बार नहीं, हम एक टेम्परेरी रिलीफ नहीं दें, परमानेंट रिलीफ हो, इन पॉलिसीज़ पे काम किया जा रहा है, जो जड़ से मसाइल हैं उन्हें उखेड़ने की कोशिश हो रही है। इंशाल्लाह उसमें थोड़ा टाइम तो लगता और एकदम आपको कोई हवाई चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। ये तो आप जो आप फरमा रही हैं यूँ लगता है कि असर नौ कुछ तरतीब दे रहे हैं आप, नए सिरे से कुछ बना रहे हैं, क्योंकि आपको बताऊँ पॉलिसीज़ ख़त्म हो चुकी थी, कोई पॉलिसी नहीं थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मामला था वन मैन शो, जिसके पास अख्तियार सारे हैं, 17 वजारतें लेके अगर वज़ीर आला बैठा है तो वो मनमानी करते थे, जो दिल चाहा दूसरी बात नहीं, मैं इसको बिल्कुल नहीं कहूंगी, इनहराफ नहीं करूंगी इससे। देखिए खान साहब ने एक, अगर सबको डर है कि एक तो जैसे अल्लाह की ज़ात का डर होता है, मुल्क के रहनुमा अगर आपका हुक्मरान सही और शफाफ हो और नज़र रखने वाला हो तो आप डरते हैं करप्शन करने, इसलिए कहते हैं ना ऊपर दुरुस्त हो तो नीचे तक वो चीज़ जो है वो खुद ब खुद आती है। अगर ऊपर वो नहीं करप्शन करेगा, वो गलत चीज़ नहीं होने देगा, ना करेगा ना होने देगा, तो फिर ऐसे ही मिनिस्टरों की सांसें भी रुकी रहेंगी और तमाम चीज़ें काम होंगे, लेकिन वो 10 बार सोच के करेंगे आया इससे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही कि कोई किसी का नुकसान या कोई मैं रूल से अपनी हदूद को क्रॉस तो नहीं कर रहा। तो नई टीमें थी लेकिन जज्बे बड़े ज़बरदस्त हैं, 8 बजे हमारे मिनिस्टर जाके ऑफिसेज में बैठ जाते हैं, अच्छा। सेक्रेटरी परेशान है, वो शिकायतें करते हैं कि भाई क्या मुसीबत है, हम तो 11 बजे ऑफिस में आते थे,
वो जो ये 8:30 बजे वाले अफसरशाही अफसरशाही, और ये सब इमरान खान साहब के कहने पे हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे इमरान खान साहब के तकाजे क्या हैं अपनी टीम से? देखिए, एक तो सबसे बड़ी नो टॉलरेंस, तो करप्शन के हवाले से तो टॉलरेंस ही नहीं है उनका। दो, मैं LDA की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से हूँ और खान साहब का एक ही LDA के लिए था। उन्होंने हमें कहा कि सही काम रुकना नहीं चाहिए और गलत काम होना नहीं चाहिए। सही काम लेके आने वाला नून लीग का है, कहाँ का है, जायद है, बकर है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। गलत काम लेके आने वाला आपका मिनिस्टर हो, आपका जो मर्जी हो, इससे भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। काम सही होने चाहिए, गलत रुकने चाहिए। और जो इसका एक तासुर है ना कि ये करप्शन का गढ़ है यहाँ, ये तासुर तुम लोगों ने बदल दिया, तो मैं सब तुम लोगों को अपनी ड्रीम ट्रीम करार दे दूंगा। ओके कहाँ तक अचीवमेंट हुई है आप असेंबली में? हमने देखा कि आप बहुत असेंबली क्वेश्चंस रेज करती हैं, करारदादें आप पेश करती हैं स्पीकर चैम्बर में, आए रोज आपने कोई ना कोई नया कजिया, लगता है इसे आप बहुत होमवर्क करती हैं, लेकिन वो जो जो आप बावेला मचा रही होती है उस पर कितना फीडबैक है, कितना काम होता है? देखिए, मैं एक तो ये कि मेरी करारदादों पे पिछले 5 साल भी आपको पता है मैंने रिकॉर्ड किया भी आपने और अभी भी इसमें एक तो मुझे पूरे पंजाब से अप्रिसिएशन आती थी। ऐसे ऐसे इशू अवामी जो मैं मंजर आम पर लेके आती हूँ, जब एक बार हाउस में आ जाए और उस पर डिस्कस हो जाए तो फिर वो फिर इतनी आसानी से इग्नोर नहीं हो सकता, उस पर कुछ ना कुछ काम तो होता है। और उसकी ये मुझे तसल्ली होती है कि चले बहुत कुछ नहीं, कुछ तो करवाने में मैं कामयाब हुई। अवेयरनेस फैलती है, लोगों में शऊर आता है, वो मामला डिस्कस होता है, महकमों को जवाब देने पड़ते हैं, तो इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। अवाम को इसके जो फ्रूट्स हैं, ये तो हो गया आपकी सतह पर कि आपके कायद, आपके चेयरमैन, पार्टी जो आपके हेड हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, बहुत सख्ती करते हैं, बहुत कमिटेड हैं कि जो हमने वादे किए हैं वो पूरे करने हैं, उनकी तरसील अवाम तक किस हद तक आ गई है? देखिए, अवाम तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी से आ रही है और उसे आप मज़ीद भी देखेंगे। असल तो मसला ही जिस जमहूरियत का हम ढोल पीटते हैं ना, जमहूरियत जमहूरियत को ख़तरा है, जमहूरियत ये जमहूरियत वो जमहूरियत है क्या? वो जमहूरियत जमहूर से निकली है, जमहूर अवाम है, ठीक। और जब तक उसका समरात अवाम तक नहीं पहुँचते तो सॉरी, वो जमहूरियत नहीं है ना ही उसका। पिछली हुकूमतों ने जमहूरियत को, जमहूर को, वो जमहूरा बच्चा नहीं होता जो डुगडुगी में नाचता, वो बनाया हुआ था। अब हमने इस फ्रेज से निकलना, हमने हकीकी जमहूरियत वो है जिससे अवामी अवाम तक जिसके सम्राट पहुंचे। अच्छा, अब जो सम्राट की बात है, आप लोगों ने आते ही एक बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन आगाज किया था, ये जो कब्जा ग्रुप हैं, माफियाज हैं, फिर चलते चलते वो रेड़ी बांध तक की गर्दन तक ये पहुंच गए थे, यहाँ पे तुम नहीं लगा सकते, तुम खोखा नहीं लगा सकते, ये तुम एनेक्स कर रहे हो, ये तुम्हारी हदूद है, तुम बाहर क्यों आए हो? एक बंदा जिसने 2-4 करोड़ रुपए की दुकान बनाई हुई है और उसके बरामदे में एक शख्स ने एक छोटा सा अपना वो रखा हुआ है, वो भी अपनी दिहाड़ी कमाने के लिए बैठा है, वो तो अफोर्ड नहीं करता कि वो बड़ी दुकान बनाए। जब आप उसे उठवा देते हैं तो आप जानते हैं ना कि उसके पीछे ख़ानदान के काफ़ी अफराद हैं, जो वो रोटी कमा रहा है वो सब उस पर इन्हिसार किए बैठे होते हैं, उनके लिए आपने मुतबादल निज़ाम कोई बनाया नहीं, उसे बेरोज़गार कर दिया। ये एक तनकीद है लोगों की आप पर, इसका क्या जवाब? अच्छा, इसका एक तो ये कि सबसे पहले कि पहले ये बहुत मिसहैंडल हुआ इस हिसाब से कि ये बात हुई थी कि सिर्फ जो बड़े तजावजात वाले मामलात, जो बड़ी मछलियाँ हैं, कब्जे ग्रुप हैं, ये वो, इनके छोटी रेड़ी बांधने तक बात नहीं हुई थी। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो वो था सारा सिस्टम, इन्होंने अपने तौर पे ये भी कार्रवाइयाँ की, जिसका इसका जिसका जैसे ही रिएक्शन आया फौरी तौर पर अहकाम सादर हुए, ऊपर से खान साहब ने भी किए और CM साहब ने भी किए, और इसको रोका जाए। मैं उस चीज़ की खुद विटनेस हूँ, क्योंकि जब हमारे इलाकों में भी हुआ, सब में हमने शोर मचाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये अहकाम ऐसे नहीं थे, इनको एक तो डायरेक्ट इन पे ऑपरेशन करने के लिए नहीं कहा गया था। हाँ, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं कि जिसमें से इंसान का गुजरना, चलना, फिरना भी नागुजीर हो चुका हुआ था, और उन चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाने के लिए सख्त इकदाम था, लेकिन ये भी ज़रूरी था। लोगों ने बड़े एहतजाज किए थे। और उस पर और इसके पे मैं बताऊँ फ्यूचर प्लान क्या है हमारा इस पर, जो रेड़ी बांध और ये जो एक है ना, हमने आपने देखे होंगे आप जितने अरब कंट्रीज़ में जाएँ,
तो वहाँ एक बड़ा कल्चरल एक ये कॉन्सेप्ट है, ये बल्कि हमने डिस्कस भी किया और इसको इंशाल्लाह हम करने भी जा रहे हैं कि जो रेड़ियों के और ठेलों के एक अलग बाजार होते हैं, डेजिग्नेटेड एरियाज, हाँ जी ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ उनको स्पेस भी दी जाती है। पेशावर में, हाँ, इस्लामाबाद, हाँ, में है जैसे वो पेशावर मोड़ पर बहुत ही बड़ा बाजार है और बहुत ही खूबसूरत इस्लामाबाद वहाँ से, हाँ, वो रेड़ियाँ, वो बड़ी खूबसूरत रेड़ियाँ उसको बना के, उसको टर्की में मैंने बहुत देखा, जी जी, बड़ा अच्छा लगा। और इस चीज को एक खास तौर पे लिमिट देखिए उसके लिए लाहौर में आपने कोई एरिया, जी जी बिल्कुल, इसमें एलडीए के साथ मिलके हम इस पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इसके नतायज बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे। वो जगह भी अनाउंस हो जाएंगी, वहाँ पे अच्छा, उनको फ्री प्लेस मिलेगी, अच्छा फ्री मिलेगी, फ्री प्लेस मिलेगी ताकि उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा किराए का। और ये जो भत्ते लिए जाते हैं रेडी वालों से, हाँ जी ये सिलसिला भी नहीं हो सकेगा, ये फलाना बिल्कुल, जब वो अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन होगा तो उसमें आप ये मामलात भी, टीए में जो 10 अदारे इन्वॉल्व होंगे वो भी खत्म हो जाएगा। आप ये खुशखबरी दे रही हैं उन गरीबों को, मस्कीनों को जो बेचारे बिल्कुल जी और बड़े अच्छे और वो सस्ते बाजार होंगे। और ये कब तक आप कर पाएंगे? ये बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह इसी माली साल में इसका कोई इसका भी कोई पीसी वन होगा या क्या है? बिल्कुल इसमें पूरा प्रॉपर पेपर वर्क और जो उसकी जो आपकी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो तो पूरी करनी पड़ती हैं। अच्छा गुड, और आप कह रही हैं कि बहुत कम अरसे में, हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप ये देखेंगे खूबसूरत, इसी बरस हो जाएगा इंशाल्लाह इसी माली साल। ग्रेट, मैं इसी खुशखबरी के साथ एक और ब्रेक लेता हूँ, हंसते हंसते ब्रेक ले लेते हैं, किसी को महसूस भी नहीं होगी। नाज़रीन गुफ्तगू के इस हिस्से में मोहतरमा सादिया सोहेल राना ने हमें ये खुशखबरी दी है कि बहुत जल्द वो लोग जो बहुत तंगदस्ती में होते हैं और वो रेड़ी लगा लेते हैं, वो अपना रोज़गार कमाने के लिए बहुत मुश्किल उन्हें दरपेश रहती है, उनके लिए डेजिग्नेटेड एरियाज़ जो है उनका क़याम अमल में लाया जाएगा और इन सबको वहाँ इंटरटेन किया जाएगा। इस मुल्क का कोई गरीब आदमी ये ना जाने कि पीटीआई हुकूमत ने उसकी रोटी छीन ली है। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडिंग साजिद उमर गिल के साथ है एबीपी न्यूज़ पर। आज मेरी मेहमान है मोहतरमा सादिया सोहेल राना, इनसे गुफ्तगू जारी है, कुछ मौजूदात हमने कवर किए हैं। सादिया, जब आप लोग एहतजाज कर रहे होते थे तो अमूमन हम सुनते थे आप लोगों के ज़बानी, आप कहते थे कि पार्लियामेंट का वक़ार कायम नहीं रहा, जमहूरियत जो है वो उसको दागदार कर दिया गया है, वो पटड़ी से उतर गई है, जमहूरियत का ये मकसद नहीं है, ये इसके मकासद, ये बातें हम आपके मुंह से सुनते थे। जो नौजवान नस्ल है पाकिस्तान में पिछले 10-15 बरसों में जब से आप लोगों की जद्दोजहद जारी है, उसने बहुत कुछ सीखा है इन बातों से, बहुत सी मालूमात उनके जहनों में आई, अच्छा यूँ भी होता है, यूँ भी होता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि पार्लियामेंट का वक़ार, जो आवाम के नुमाइंदे हैं वो आवाम के वोट से जीत कर वो जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं, फिर आवाम के हकूक की आवाज़ वहाँ बुलंद करते हैं, एक इंतहाई मोतबर पाकिस्तान की सियासी शख्सियत हैं चौधरी निसार अली ख़ान, वो अपनी जो कौमी असम्बली की नशस्तें तो ना जीत पाए, पंजाब असम्बली की एक सीट उन्होंने जीती मगर आज तक उन्होंने आके हल्फ नहीं लिया, तो क्या इससे पार्लियामेंट का इससे वकार नहीं मजरू, अवामी नुमाइंदा नहीं मजरू कर रहा इसको? नहीं बिल्कुल साजिद आप बात सही कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर आपने अवाम के लिए वोट लिए हैं, अवाम का मसाइल को हल करने के लिए आप उस पार्लियामेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं और आपको अवाम ने वोट दिए और जिताया भी, और आप पार्लियामेंट में ओथ ही ना लें और जिसमें आप अहद करते हैं आप इस मुल्क के लिए काम करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, और आप बस उसका जीत के बैठ के, क्योंकि आपके सियासी मकासद वो आप जो हासिल करना चाहते थे वो शायद हासिल ना हो सके। नहीं, वो क्या आपका आपका क्या ख्याल है, वो अपनी तहकीर समझते हैं कि ये छोटी असेंबली है, मैं इसमें मैं समझती हूँ कि आप वो तो वो बेहतर जानते हैं कि वो तहकीर समझ के नहीं आ रहे या उनका कोई सियासी ऐसा एजेंडा था जो पूरा ना हो सका। देखिए अगर तहकीर समझ के आते हैं तो फिर तो बहुत ही बुरी बात है कि फिर आपने इलेक्शन लड़ाई क्यों, फिर आपने पंजाब लेवल पे ना लड़ते, आप नेशनल का हार के थे फिर बैठ जाते, घर बैठ जाते। और अगर आपने जीता है, जिन लोगों ने आप पे इत्मीनान करते हुए आपको वोट दिया है,
अब उन लोगों का क्या कसूर है? आप लोगों ने कभी प्रोब करने की कोशिश की है जानने की ये कि क्यों नहीं आ रहे अभी? कभी किसी ने सवाल उठाया? सवाल तो उठते हैं और लोग चाहते भी हैं, लेकिन किसी की ये पर्सनल इख्तियार है, उसमें इतनी मुदाखलत नहीं की जा सकती। नहीं, आप लेकिन ये तो आवाम के हकूक का लेकिन सवाल है। इतने वोट लेके मेंबर बन के वहाँ ना आना, देखिए ये बहुत बड़ी आवाम के बारे में आपके बारे में शरारतन भी कुछ लोग कहते हैं कि सादिया से बात की जाए तो अगले रोज वो करारदाद बना के ले आती। तो आपने मुझे आइडिया दे दिया करारदाद। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें ये तो खैर आपका इस्तेहकाक कि आप इस पे क्या करेंगी, लेकिन यह है कि एक सवाल मेरे जहन में था कि जब आप देखें ना तब्दीली की बात करते हैं, तब्दीली आ चुकी है, आप कहते हैं हम बरसर इक्तदार आ गए, एक तब्दीली तो ये आ गई, अगला इसका फेज है कि जो आवाम के हकूक उन्हें मिलना शुरू हो जाएंगे, अगला फेज है पाकिस्तान मुस्तकम हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा, ये तब्दीली के डिफरेंट फेज हैं। उसमें चलते चलते मेरे जहन में ये सवाल आया था कि कुछ लोग ऐसे जो अपनी ही हाउस को इज्जत नहीं दे रहे, उनके बारे में सियासतदानों की क्या राय है? आप देखिए, मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही गैर जिम्मेदारा रवैया है। जो मैं निसार अली खान जैसे तब सुलझे हुए इंसान है, पढ़े लिखे आदमी है, बड़ी अच्छी शख्सियत के मालिक है, उनसे ये देखिए किसी से उनकी वाबस्तगी होती ना होती, वो इंडिविजुअल हैसियत से भी उस हाउस में आके अगर बैठें और अपना इनपुट दें, अपना तजर्बा और अपनी चीज़ों से लोगों के लिए बात करें। देखिए जी, वो तो जो मर्जी करें, मेरा कंसर्न ये है कि वो जो एक हल्का है उसके जो आवाम वहाँ जो रहने वाले पाकिस्तानी मेरे अजीज हम वतन हैं, उनका कौन पुरसाने हाल है, उनकी आवाज़ कहाँ कौन उठा रहा है? कोई नहीं उठा रहा, क्योंकि हल्के के वो जीते हुए जब मेंबर जब ओथ ही लेने नहीं आएंगे, उनके हक की बात ही नहीं करेंगे, उनके कामों और उनको टाइम ही नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा? बस ये एक किस्म का बहुत बड़ा, मैं समझती हूँ, आवाम का नुकसान है। और इसके लिए यकीनन कोई ऐसी हमें सजाएं मुकर्रर या जुर्माने मुकर्रर होने चाहिए कि जो लोग आए, बेगम कुलसुम नवाज का भी इन्होंने नाम दिया, एक तो आप एक बीमार खातून थी, अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत करे, उनका नाम पे सियासत करना, अब हमारे यहाँ ना सियासत में अखलाकियात माइनस होती जा रही है, इसकी बड़ी ज़रूरत है चीज़ को समझना कि जिस देखिए कुछ भी कर लें, सियासत आपकी जो भी हो, इन द एंड ऑफ द डे आपने पार्लियामेंट में बैठ के लोगों की बात करनी है, उनके हकूक़ की बात करनी है, या आपने अपनी ही ज़ाती मफादात की, ये यही फ़र्क है एक आम सियासतदान का जो अपने ज़ाती मफादात की करता है और एक ये सोच के आता है कि मैंने इस हाउस में बैठ के वो उन लोगों की बात करनी है जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। ओके ओके, और आप लोग ये चाहते हैं कि जो पाकिस्तान का जो आइंदा जो एक शक्ल सूरत हो वो ये हो कि जो आवामी नुमाइंदे बैठे हों वो आवाम पाकिस्तान की पाकिस्तान की बात करें, अपोजिशन बैठी है ना, अपोजिशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें कुछ कवानीन साजी भी तो जरूरी होगी ना, कुछ ऐसे कवानीन बनाए जाए पाकिस्तान तो जो लोग उसको पंक्चर करते हैं, प्रिक करके अपने मफादात उसमें से कशीद करते हैं उनकी राह रोकने के लिए, सद्देबाब के लिए। वो कानून साजी तो तब होगी ना जब सारे ही लोग वो बैठे होंगे जो ये चाहते हैं, अक्सरियत तो आज भी वो लोगों की वैसे लोग बैठे हैं जो नहीं चाहते, जो अपने मफादात के लिए इन ऐवानों को इस्तेमाल करते हैं। हमें ये चीज़ें लानी पड़ेगी आहिस्ता से। वो खान साहब ने जो सफ़र शुरू किया जिसमें बहुत सारे लोग मेरे जैसे आम पाकिस्तानी हैं जो इस सोच के साथ आते हैं कि हमारी अपनी ज़ाती मफादात का इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये हाउस है, ये पार्लियामेंट है, ये खिदमत है, ये खिदमत है, इसका मकसद भी लोगों के लिए ये नहीं कि आप गार्ड आपको के आपके ऑफिस में घुस नहीं सकती आवाम, आपका फ़ोन आप आवाम के फ़ोन अटेंड नहीं करते, आप लोगों से बात करना मुनासिब नहीं समझ में समझते, ये प्रोटोकॉल इंजॉय करना नहीं है, आवाम के खिदमतगार बन के लोगों ने ख़ुद को कहलवाया तो खादम आला लेकिन ज़ालम आला बन के दिखाया और उन तक तो सोचना 10 साल उनको उनके एम पी एस नहीं मिले। तो ये चीज़ें हमें निकालनी होंगी दिमागों से खरोच के ना, ये जो एक साथ ही एम पी ए का एक 3 लफ्ज़ ये लगते हैं आपके साथ या एम एन ए या कोई भी, तो आप में जो सारी अखलाकियात गायब हो जाती हैं और आप एक सुपर नेचुरल चीज़ बन जाते हैं और लोगों की एक्सेसिबिलिटी से बिल्कुल बारे हो जाते हैं। ये खान साहब ने चीज़ें निकालने के लिए कहा भी है और अपने तौर पे भी वो इस पे अमल दरामद भी करवा रहे हैं। आप बहुत जैसे आप कहते हैं बराह रास्त आपका ताल्लुक है सी एम हाउस पंजाब के साथ, पंजाब असम्बली के रुकन होते हुए, ये बताइए कि जो सी एम हाउस पंजाब है आवाम की रसाई सिंगल डोर वन विंडो हो चुकी है या अभी कुछ रेड रिबन हैसल्स हैं राह में? नहीं देखिए, थोड़ा पुराना कल्चर है ना, थोड़ी सी चीज़ें रुकावट पैदा करता है।
इवन यहाँ तक हुआ कि जो रेगुलर उनके पीएस हैं जिनके थ्रू टाइम लेना होता है, जो उस सीएम हाउस का पहले से ही हिस्सा थे, ये थे, वो आम लोगों के लिए थोड़ी सी रुकावटें पैदा करते थे। अच्छा। तो सीएम ने अपने जो एमपीएस थे उनमें से कुछ लोग ऐसे मुकरर कर दिए कि जो आवाम तक के बीच में रुकावट ना आने दें, मुलाकात में। अच्छा। मीटिंग में आप मिलना चाहें सीएम, आप लोग फ्रीक्वेंटली मिल पाते हैं? जी जी बिल्कुल, हमारे सीएम हाउस जाने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा। और सीएम साहब से बुज़दार साहब की तरजीहात क्या है पंजाब के लिए? कहा जाता है कि नौ आमूज हैं, उन्हें तजुर्बा नहीं है। आपको पता ना, मुखालफिन तनकीद का नश्तर तो फिर बरसाने पे आ जाएं तो ऐसी ऐसी बात करते हैं कि क्या कहने। लेकिन कुछ चीज़ें साहिब भी हैं, कुछ जो सवालात उठाए जाते हैं वो बरमहल भी हैं। आप क्या समझती हैं कि बुज़दार साहब को मज़ीद कितना अरसा और चाहिए तजुर्बा गेन करके पंजाब को वो जिस तरह से बनाना चाहते हैं वो बना जाएंगे? मैं समझती हूँ कि बुज़दार साहब बिल्कुल ये अहमियत रखते हैं कि वो आज से ही वो पंजाब बनाने खान की कोशिश में है। तो रखते ही होंगे बिल्कुल। और देखिए, एक ये होता है हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, एक माइंडसेट है कि किसी भी ओहदे के साथ हम उसका ना एक बॉडी लैंग्वेज, उसका गेटअप हम तसव्वुर कर लेते हैं। अच्छा, स्टाइल है। हाँ बिल्कुल, एक स्टाइल में आएगा, ऐसे अंदाज में खड़ा होगा। हमने स्टाइल ही तो देखे हैं, माइंडसेट हमारी यही है। हम एक सिंपल सादे आम जुबान में बात करने वाले इंसान को उस कैटेगरी में सेट नहीं कर पाते। मैंने जितना बुज़दार साहब को देखा है, हर एक की सुनने वाले, बहुत विजनरी आदमी है, पॉलिटिक्स को समझते भी हैं, लोगों के मिसाइल को भी जानते हैं। वही बात है कि वो कोई स्पेशल पर्सन नहीं है, आम पाकिस्तानी है मेरे और आपकी तरह, तो उनको आम मसाइल का भी इल्म है। जो सोने का नवाला लेके पैदा होते हैं उन्हें क्या पता फाका किसे कहते हैं, उन्हें क्या पता ये लाइनों में लगना किसे कहते हैं। ये हम आप जैसे समझ सकते हैं जो इन मसाइल से गुजरते हैं, महीने की 10 तारीख को पैसे ख़त्म हो जाते हैं और अगला आधा महीना सोचने में गुजरता है कि अब करना क्या है। तो मतलब ये चीज़ें तो मसाइल तो वही समझेगा। माशाल्लाह, आपके शौहर नामदार अच्छा खासा कमाते हैं। नहीं, आपको नहीं, तो 10 तक हमसे पूछे जिनकी बीवी खाने वाली। मेरे शौहर नामदार बिल्कुल इतना अच्छा खासा नहीं कमाते, नॉर्मल कमाते हैं और हमें भी सोचना पड़ता है। नहीं, माशाल्लाह आप बहुत खुले दस्तरखान की खातून है, आप बहुत मतवाजो और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह खुला ही रखना चाहिए। मुझे ये बताइए, कुछ लोग ये कहते हैं, सादिया मालूम नहीं आपके इल्म में ये बात है या नहीं, यकीनन होगी मेरा ख्याल है, वो कहते हैं कि पंजाब को 2-4-5 लोग मिलकर चलाते हैं। अलीम खान साहब अपनी जगह पावरफुल आदमी हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपनी जगह एक बहुत बड़ी ताकत के वो एक गम्माज हैं, चौधरी सरवर साहब अपनी जगह एक हकीकत हैं, और ऐसे में बुज़दार साहब जो हैं वो कुछ निस्बतन कुछ हो गए हैं मिनिमाइज से, ये लोग ये कहते हैं, आपकी क्या राय? गलत कहते हैं। देखिए, सरवर साहब इसमें नो डाउट कि वो एक अवामी लीडर हैं, अवाम में बड़ी पसंदीदा शख्सियत है, एज ए गवर्नर हैं। हाँ, और एज ए गवर्नर जो उनके फ़राइज़ हैं वो उसमें वो काम अपना बहुत एहसन तरीके से कर रहे हैं और अवाम में बड़े मकबूल हैं। अलीम खान साहब एक ताकतवर आदमी है, एक मिनिस्टर है और अपनी मिनिस्ट्री को बहुत बाखूबी चला रहे हैं। और जहाँ तक और भी जिस तरह आपने डिफरेंट लोगों का नाम लिया, वो सब अपने अपने पेशों में, अपने अपने ड्यूटियों में फुल फ्लैज काम कर रहे हैं। कहीं कोई बाहम टकराव तो नहीं है इनका? टकराव नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर ये बुज़दार साहब की मैं समझती हूँ बड़ा दिल है या उनकी मामला फहमी है कि वो अगर सबको ऑन बोर्ड लेके चलते हैं और मशावरती उसको तरीक़ेकार को बुरा नहीं समझते, अगर वो सीनियोरिटी के बाहर सरवर साहब से कोई मशवरा लें या अलीम खान साहब को साथ बिठा लें या मियाँ महमूद रशीद एक सीनियर तजर्बेकार हैं उनको भी साथ बिठा के मशावरती कर लें, और ये तो मशवरा करना तो बड़ा अच्छा काम है। और उसमें तो अव्वल कहीं भी बुज़दार साहब इनके दरमियान कमज़ोर नहीं है, वो अपने हिसाब से अपने पूरे दमखम पे, अपने ज़ोर पे, वो जो सीएम की सीट पे बैठे हैं वो पूरे वजन से बैठे हैं। ग्रेट, और उन्हें होना भी चाहिए, इसलिए कि टीम का एक कप्तान होता है और आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो जो ख्वाब जिनका जिक्र जहाँ से हमने आगाज़ किया था, तो उनकी तकमील हम चाहते हैं, तो यकीनन हमें एक टीम इस तरह की बनाना चाहिए कि जिसमें कप्तान को फॉलो करने वाले उसके साथ हों। सादिया, इससे आगे चलते हैं, छोटी सी मैं मुझे आपका कमेंट चाहिए, ख़ातून होते हुए और ख़ातून होने की हैसियत में आप रुकन हैं पंजाब असम्बली की भी, पंजाब की जो ख़वातीन हैं
अगर हम इनको हिस्सों में बांट लें, एक तो है अर्बन पढ़ी लिखी खवातीन है और उसके बाद रूरल हैं, उनके अपने अलग अलग इश्यूज हैं। पिछले दिनों आपने एक करारदाद पेश की थी कि तालबात के हॉस्टल्स जो है वो बहुत कम हो गए हैं, ये ज़्यादा होने चाहिए। ये बड़ी एक छोटी सी ऐसी बज़ाहर बात लगती है और एक दफ़ा जब बंदा सुनता है तो सोचता है कि आपका क्या इसे यूनिवर्सिटी का मामला बना लेगी, बट हमने देखा कि खातून होते हुए आप इन चीज़ों पर भी आप नज़र रखती हैं, इससे कितना फ़र्क पड़ता है? कोई तहर्रुक आगाज हो जाता है आपके आवाज़ उठाने से? जी बिल्कुल, अमलन कोई इसका कोई नतीजा निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा जी। बात यह है कि मेरा ये मकसद इसलिए था कि जब खवातीन के लिए हॉस्टल्स की कमी है ना, तो फिर ये प्राइवेट रहाई जो हॉस्टल्स बने होते हैं उधर जाते हैं बच्चियाँ, एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाती है। और हाँ, और ऐसे में इतने वाकयात सामने आए हैं जहाँ पे इस तरह के उन्होंने हॉस्टल्स में अड्डे बनाए हुए हैं और नजायज़ काम, ब्लैक मेलिंग, बच्चियों को साथ हरेसमेंट और बहुत सारी चीज़ें। देखिए, हम उन जड़ों को ख़त्म करना चाहिए जिनकी वजह से आगे ये मसाइल हमें फेस करने पड़ते हैं। तो आपका ये जो तकाजा था ये यूनिवर्सिटीज़ से था? मेरा ये तकाजा यूनिवर्सिटीज़ से भी है, इदारों से भी है और हुकूमत से भी है। क्योंकि उससे पहले हमने देखा कि आपने ये जो एजुकेशन का एरिया है उस पर भी आपने एक करारदाद अगले रोज़ पेश कर रखी थी। वो मुराद राज साहब भी आपसे खौफ ज़्यादा रहते हैं कि सादिया बीबी खुदा का नाम लो। तो नहीं, देखिए जी, तो मेरे सब मिनिस्टर्स को पता है कि जहाँ बात आएगी अवामी, मैं तो यहाँ किसी ना एमपीए बनने आई थी, ना मैंने ना मिनिस्टर ना कुछ और, मैं तो एक आम सी बंदी हूँ और मैं यहाँ लोगों के मसाइल पर बात करने आई हूँ। अगर अल्लाह ने मुझे ये इज़्ज़त और मौका दिया है तो मैं इस पर बात करूँगी, बेशक वो मेरी पार्टी की गवर्नमेंट हो, कोई मर्जी गवर्नमेंट हो। मेरा मकसद है इन मसाइल की निशानदेही करना और इसके पीछे पढ़ के इन मसाइल का हल भी ढूँढना, ना सिर्फ निशानदेही, इसके हल तक इसमें एक अपना ज़ोर लगाना और अपनी बात करना। तो ये तो मैं करती नज़र आऊँगी आपको। और इससे जब ये आप आवाज़ उठाते हैं, जैसे खान साहब कहा करते थे कि मैं अगर अकेला भी रह गया तो मैं जिस हद तक आवाज़ उठाई जा सकती है मैं पीछे नहीं। बिल्कुल, और हम खान साहब के ट्रेनीज हैं, हम खान साहब से सीखे हुए हैं। वो कोई बात सच हो ना तो कोई भी खान साहब के सामने भी मैं बोल पड़ती हूँ, पार्टी के अंदर भी कुछ गलत हो रहा हो तो मेरी ऐसी बुरी आदत है कि मैं बाज नहीं आती, इसलिए काफ़ी दुश्मनियाँ भी अपने ज़िम्मे ले लेती हूँ, खड़े होकर बोल पड़ती हूँ। और मैं फिर यही कहती हूँ कि खान साहब आप ही की ट्रेनिंग है, गलत बात तो बर्दाश्त नहीं होती ना अंदर ना बाहर, जहाँ भी होगी जो गलत लगेगा उसको गलत कहूँगी, कभी गलत को सही नहीं कह सकती किसी भी प्रेशर पे आके। हम अब एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। मुझे बताइए सादिया, पाकिस्तान के हवाले से, एज़ फार एज़ पाकिस्तान इज़ कंसर्न, विच इज़ आवर कंसर्न, पाकिस्तान है तो हम हैं, मैं ज़ाती राय ये है, ये जो पाकिस्तान के हवाले से कौन कौन से ऐसे गलत काम हैं जिन पे आप चढ़ जाते हैं? आप अभी बता रही थी ना गलत काम मैं तो नहीं देखूँगी, पाकिस्तान के हवाले से आपको लगता है कौन कौन से बड़े बड़े गलत काम हैं जिन्हें आपने होने से अब रोकना है और उन्हें बिल्कुल ख़त्म कर देना? हाँ देखिए जी, अगर हम एक दो तीन कैटेगरी बना सके। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान की जो अब तक होता रहा, मैं सबसे पहले मसला बताऊँ पाकिस्तान का क्या है कि हमारे यहाँ कभी ये तायुन नहीं हुआ कि राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। एक अगर आप तमाम इदारों पे सही मुस्बत लोग बिठा दें तो पाकिस्तान की सिमत दुरुस्त हो जाती है। नेक्स्ट, ठीक है, उस पर पाकिस्तान में जो आने वाले जो जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी हुक्मरान है उनका जाती मुफादात माइनस होने चाहिए। जो पाकिस्तान को लूटा है ना वो लूटा हुआ माल पाकिस्तान में आना बड़ा जरूरी है। अच्छा, ये करप्शन के हवाले से? हाँ, करप्शन के, पाकिस्तान में करप्शन टॉलरेंस जो है ना वो माइनस होनी चाहिए, 0%। और आप समझते हैं ये वो बड़े गलत काम हैं, ये बड़े गलत काम हैं जिन्हें एलिमिनेट कर देगी आपकी गवर्नमेंट। बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान का जो चेहरा है वो जो नेगेटिविटी है ना उसको माइनस करके हमें पॉजिटिविटी, और कश्मीर पाकिस्तान का, देखिए पाकिस्तान हर एक के साथ खड़ा हो जाता है लेकिन किसी भी अरब सीरिया में बात हो सब अरब मुल्क हो जाते हैं, लेकिन अरब मुल्क ये समझते हैं कि अरब मुल्क अलग है और मुस्लिम मुल्क अलग है। मतलब ये जो एक तफरीक है ना, मैं इसके बड़े ख़िलाफ़ हूँ। फलस्तीन में तो है, कश्मीर में जब ये बात आती है तो तब अरब मुल्क क्यों नहीं बोलते? कश्मीर पाकिस्तान का एक हिस्सा है, शाहरग है, और पाकिस्तान का स्टैंड कश्मीर के हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं और आप लोग ये स्टैंड लेंगे? बिल्कुल लेंगे। नहीं, मैं फील कर रहा हूँ, ये दिल से आ रही है। हाँ, इसलिए कि मैं कश्मीर की बेटी हूँ मेरे तक पहुँच रही है। और खान साहब इस पर, क्योंकि खान साहब के एक दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं
और इस पे ना वो किसी से डरते हैं ना उनके मफादात मुंसलिक हैं। तो बहुत अच्छा हुआ कि नॉर्वे मुल्क की भी सदर जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसने भी कश्मीर के इशू पे कहा कि ये उनकी जो जुल्म हो रहा है इस टाइम पूरी दुनिया कहाँ बैठी है। पाकिस्तान को एक समझ लेना चाहिए कि ये एक एटमी इस्लामिक पावर है। और एक मैं जो महसूस करती हूँ ना, जो मैंने देखा है, पाकिस्तान अपने आप में ही हमारे हुक्मरान पाकिस्तान को कॉम्प्लेक्स सूरत में एक झुके हुए एक डरे हुए के अपनी बदमालियों के अपनी बदमालियों के बिना ठीक कह रही हैं आप। पाकिस्तान जिस चीज के लिए, ये बात यकीन रखे, पाकिस्तान ये गुलामी डिजर्व नहीं करता और पाकिस्तान को कोई खत्म नहीं कर सकता। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाइश पे बना हुआ मुल्क है। ग्रेट सादिया, बहुत शुक्रिया आपसे गुफ्तगू ही। दिल में ये तमन्ना रही कि हम इसको मज़ीद आगे बढ़ाते। बहुत से मौजूदात थे जिन पर आपसे बातचीत हो सकती थी। नाज़रीन, आपने मोहतरमा सादिया सुहेल राना की गुफ्तगू सुनी। आई एम वेरी सबमिसिव एट द मोमेंट। इनसे गुफ्तगू करने के बाद आगाज़ में हम एक एक एक, एक जर्नलिस्ट और एक सियासतदान, वो एक केमिस्ट्री होती है, लेकिन इनकी बातें सुनकर मेरा दिल भी उसमें भी कुछ दर्द करवटें ले रहा है। नाज़रीन, अगर हम एक काम कर लें कि आज से पाकिस्तान से मोहब्बत करना शुरू कर दें, तो यकीनन हमारे जो आमाल अफ़ाल हैं उनमें भी ये एक नई तरह ईजाद हो जाएगी कि हम इसका कोई नुकसान नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसका कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर कर लें। तो यकीनन वो वक्त बहुत दूर नहीं कि जब ये मुल्क बहुत मुस्तहकम, बहुत खुशहाल और हम सब बहुत बावकार होंगे। हमेशा की तरह मेरी दुआ, आप हमारा और आप सब का खुदा, हम सब का निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।